सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद की बिल्कुल सटीक और सही जानकारी पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। आपको यहां हमेशा बेहतरीन और अनुभव के साथ वाली जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की या एक ऐसी समस्या की जिससे प्रायः युवावस्था में हर युवक गुजर चुका है, या युवावस्था अगर आपकी है तो आप इस अवस्था से गुजर रहे होंगे। और बहुत से लोग शारीरिक परिवर्तनों के कारण भी आगे आने वाले समय में इस समस्या को फेस करेंगे। कुछ युवा कभी कभी इस घटना से परेशान रहते होंगे। सबसे प्रमुख चिंता की बात यह है कि हमारे भारत देश में सेक्स एजुकेशन नहीं होने के कारण इस घटना से या इस समस्या से हर युवा या तो परेशान रहता है या फिर शर्म के कारण वो इस घटना को अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता है। डॉक्टर्स से छुपाते हैं और खुद ही उनका या तो गूगल से इलाज सर्च करने की कोशिश करता है या कुछ मैगजीन पढ़ता है या फिर किसी अधगड़े वैद्यों के चक्कर में पड़ जाता है, तो बहुत लंबे समय तक इस घटना से वो पीड़ित रहता है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। कई बार हमें ये भी देखने में आता है कि बहुत से युवा या तो अपने दोस्तों के बताए अनुसार ही इस समस्या का इलाज करने लगते हैं। कई बार ये देखने में आता है कि बहुत से युवा और उनके फैमिली मेम्बर्स युवक जो इस समस्या से परेशान हैं उसे लेकर एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तब ये मॉडर्न साइंस के स्पेशलिस्ट इन युवाओं को इस घटना को सामान्य बताते हैं और कई बार या तो ये इलाज नहीं देते हैं या कई बार कोई फार्मूलेशन लिखकर भी देते हैं तो वो आयुर्वेदिक ही होती है, लेकिन उससे व्यक्ति को कोई विशेष लाभ नहीं होता है और फिर युवक इधर उधर भटकते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब डॉक्टर्स इस समस्या को या इस घटना को सामान्य बता देते हैं और यूं कह देते हैं कि यार ये तो इस उम्र में होता रहता है। अब परेशानी तब चालू होती है कि जब युवा इस बात को मान लेता है और इस समस्या को रोकने के लिए कोई इलाज नहीं करता है। यहाँ से हमारे आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति के पतन की शुरुआत होती है। अब चूंकि दोस्तों ये समस्या बहुत गंभीर है और इस पर विस्तृत रूप से बात की जाना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस घटना की या इस समस्या की संपूर्ण बात, मतलब ये क्यों होता है, इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती है, आप इसका कैसे ट्रीटमेंट करें कि आपको आगे आने वाले समय में आपके भविष्य के साथ कोई तकलीफ ना हो, आप शारीरिक रूप से डैमेज ना हो, तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस घटना के बारे में निश्चित रूप से समझ गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वप्न दोष की, नाइट फॉल की, या गाँव में इसे परी लगना के नाम से भी जाना जाता है। जब दोस्तों मैंने नाइट फॉल या स्वप्न दोष के बारे में यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करा तो मुझे कोई बहुत ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिससे कि युवा अपने जीवन में उसे उतारें और उसका पूरा लाभ ले सकें और इस समस्या से बच सकें या इस समस्या के दुष्परिणामों से बच सकें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इस घटना, इस समस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होती है, आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसके होने से आपके ऊपर क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों, इसमें होता यह है कि जब हम सोते हैं तो नींद की अवस्था में ही या अवचेतन अवस्था में ही हमारे लिंग से वीर्य निकलना अपने आप शुरू हो जाता है और जब तक हम होश में आते हैं तब तक हमारे लिंग से वीर पूरी तरह से निकल चुका होता है। कई बार यह घटना स्वप्न के साथ होती है और कई बार यह घटना बिना स्वप्न के होती है। दोनों ही अवस्था में वीरपात हमारे लिंग से होता है, तो दोनों ही स्थिति में इसे नाइट फॉल, स्वप्न दोष या परी लगना कहा जाता है। अब जब किसी युवा को स्वप्न दोष, नाइट फॉल होता है तो वो सबसे पहले या तो गूगल पर सर्च करता है या फिर यूट्यूब पर सर्च करता है। तो गूगल पर कुछ लिटरेचर्स में मैंने ऐसा देखा कि अगर माह में 3 से 4 बार भी आपको स्वप्न दोष हो रहा है तो वो एक सामान्य बात है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार माह में 3 से 4 बार
स्वप्न दोष का होना बहुत गलत प्रक्रिया है, इससे आपके शरीर को बहुत हानि होती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हमारे शास्त्र स्वप्न दोष या नाइटफॉल के बारे में क्या बताते हैं। तो दोस्तों, स्वप्न दोष युवक और युवती दोनों को हो सकता है। समस्या ये है कि अगर इस पर विशेष रूप से ध्यान न दिया जाए और इसे तत्काल बंद न किया जाए तो दोनों को ही इसके दुष्परिणामों को बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल पुरुषों की या मेल की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। महिलाओं की समस्याओं के लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि उनके साथ होने वाली इस घटना के उन पर अलग प्रभाव होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वप्न दोष किन कारणों से होता है, क्योंकि अगर आप इसके कारणों को जान लेंगे तो हो सकता है कि बहुत हद तक आप प्राइमरी स्टेज पर ही इसको होने से रोक सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब युवा अपनी युवावस्था में प्रवेश करता है तो उसके गुप्तांगों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उसमें टेस्टोस्टेरोन का बहुत लेवल बढ़ता है, तो उत्तेजना होना, अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षण होना, ये एक बहुत सामान्य सी बात होती है। लेकिन जब यह आकर्षण अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है और युवक उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे, उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचने लगे, तो ऐसी स्थिति में कई बार दिमाग में उत्तेजना पैदा होती है। ये उत्तेजना मानसिक जनित होती है, जो केवल उसके विचारों के कारण होती है। ऐसे में युवा मानसिक जनित उत्तेजना से अपने लिंग को कई बार उत्तेजित करता है और उस आनंद को बार बार महसूस करने की कोशिश करता है जो उसे उसकी मानसिक जनित उत्तेजना से मिल रहा होता है। ऐसे में जब वो कई बार अपने ब्रेन को और अपने गुप्तांगों को मानसिक रूप से उत्तेजित करता है, तब ये आपके स्नायु को दुर्बल करती है। और ये घटना जब कई बार दिन में दोहराई जाती है तो रात में जब युवा सोता है तब भी उसके अवचेतन मन में इस प्रकार की मानसिक जनित उत्तेजना बार बार दोहराई जाती है। तब जब ये दोहराई जाती है तो स्नायुओं पर उसका नियंत्रण नहीं होता है और स्वप्न दोष एक सामान्य प्रक्रिया बन जाती है। तो ऐसे में युवाओं को अपने शरीर पर, अपने विचारों पर और अपने मानसिक जनित उत्तेजना पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब इसके अलावा अगर युवा किसी प्रकार की यौन गतिविधियों में शामिल हो, जैसे कि पोर्न लगातार देखते रहना, कामुक मैसेज पढ़ते रहना, अपने सहपाठी से या अपने दोस्तों से कामुक बातें करना, या किसी फीमेल के साथ संबंध बनाने के बारे में सोचते रहना, या अपने गुप्तांगों को बार बार उत्तेजित करके देखना, या किसी लड़की के बारे में लगातार बार बार शादी करने के बारे में या किसी भी संबंध बनाने के बारे में सोचते रहना, इस टाइप के अगर किसी क्रिया में युवक शामिल होता है तो भी स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की संभावना रहती है। अब इसके अलावा अगर कोई युवा बहुत अधिक मिर्च मसालों का सेवन करता है या बहुत अधिक फास्ट फूड का सेवन करता है, स्पाइसी फूड का सेवन करता है, या गरिष्ठ भोजन मतलब देर से पचने वाले भोजन का सेवन करता है, जैसे दाल बाटी, बाफले, चूरमा, हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, समोसे, मैदे की चीज़ें, पास्ता, बर्गर, फास्ट फूड जो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, या बहुत अधिक रेडीमेड फूड का सेवन करना, या फिर जो लोग बहुत अधिक नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो ऐसे भोजन को ग्रहण करने से भी स्वप्न दोष होने की संभावना बहुत अधिक होती है। और आप लोग देखेंगे कि जिन लोगों को स्वप्न दोष हो रहा है उन लोगों के आहार श्रृंखला में ये सब चीज़ें शामिल होती है, तो आपको अपने आहार पर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी युवक को हस्तमैथुन करने की या मास्टरबेशन करने की लगातार महीनों सालों तक की आदत पड़ी हुई रहती है और इस आदत के दुष्परिणामों को जब तक युवा समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी गुप्तांगों की नसें पूरी तरह से शिथिल हो जाती हैं और ऐसी अवस्था में जब शरीर नया वीर बनाता है तो उस वीर को उसका शरीर रोक नहीं पाता है और सामान्य रूप से उसे नियमित तौर पर स्वप्न दोष होना शुरू हो जाते हैं।
इसी के साथ अगर किसी को बहुत अधिक कॉन्स्टिपेशन रहता है तो भी स्वप्न दोष होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। स्वप्न दोष होने का एक विशेष कारण स्थायी रूप से बना हुआ कब्ज भी होता है। इसके अलावा अगर कोई युवा अपनी कच्ची उम्र में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दे और फिर किसी कारणवश उसे संबंध बनाने को ना मिले तो ऐसी अवस्था में भी युवक को स्वप्न दोष होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ कई बार युवा रात में बहुत देर तक मोबाइल चलाते रहते हैं और मोबाइल में तमाम प्रकार की नई नई चीज़ें सर्च करते रहते हैं तो इस कारण से भी स्वप्न दोष हो जाता है। कई बार देखने में ऐसा आया है कि बहुत देर रात तक युवक मोबाइल चलाते रहते हैं और उसमें बिना काम की चीज़ें सर्च करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप कोई सेक्सुअल कंटेंट देख रहे हों या कोई पोर्न देख रहे हों। कई बार युवा मोबाइल चलाते चलाते सोने की कोशिश करते हैं, कई बार टीवी देखते देखते सोने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी टेक्निकल गैजेट का, मोबाइल का, टीवी का उपयोग कर रहे हैं तो अगर आपको सोना है तो आप प्रॉपर ब्रेन को ऑर्डर देकर सोने की कोशिश करिए। टीवी देखते देखते मोबाइल चलाते चलाते ही सो जाना ये भी स्वप्न दोष होने का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा अगर कोई युवा किसी प्रकार का कोई नशा करता है, जैसे चाय का, सिगरेट का, बीड़ी का, तम्बाकू का, ड्रग्स का, तो भी उसका इंद्रियों पर से नियंत्रण ख़त्म हो जाता है और उसे स्वप्न दोष होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो युवा बहुत अधिक होटलिंग करते हैं, फास्ट फूड का सेवन करते हैं या पान, पाउच, तम्बाकू, सुपारी जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, उन्हें भी स्वप्न दोष होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अब इसके अलावा अगर कोई युवा अपनी क्षमता से बहुत अधिक मेहनत करता है, अपने बल से अधिक बल का काम करता है तो ऐसे में भी स्वप्न दोष होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि आजकल बॉडी बनाने का बहुत युवाओं में क्रेज रहता है तो बालक जो होते हैं, बच्चे जो नए नए बच्चे होते हैं वो जिम ज्वाइन करते हैं। अब उनकी क्षमता होती है 10 किलो 20 किलो वज़न उठाने की, लेकिन चूंकि उनको जल्दी बॉडी पुशअप करना होती है तो ऐसे में वो प्रोटीन और स्टेरॉइड का सेवन करते हैं और फिर अपनी बॉडी को पंप करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में वेट उठाने की कोशिश करते हैं तो ऐसी अवस्था में भी बहुत अधिक स्वप्न दोष होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके अलावा कई बार अगर आप किसी प्रकार की कोई हाई पोटेंशियल मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं या कोई स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं या आप कोई गंभीर बीमारी से या नॉर्मल बीमारी से ग्रसित हैं और आपके डॉक्टर्स ने आपको हाई एमजी के एंटीबायोटिक्स दिए हैं तो ऐसी अवस्था में भी स्वप्न दोष हो जाते हैं और चूँकि बॉडी में हीट बढ़ती है तो भी स्वप्न दोष इन एंटीबायोटिक्स के कारण होना युवाओं को शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप किसी मानसिक तनाव में हैं या बहुत अधिक थके हुए हैं और ऐसी अवस्था में अगर आप तेज़ ठंडी आरामदायक एसी की हवा में सो जाते हैं तो भी आपको स्वप्न दोष होने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर दोस्तों आप गीले कपड़ों के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो भी स्वप्न दोष होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। अब ऐसे में कई बार स्वप्न दोष का कारण हमारा अवचेतन मन होता है कि हमारे मन में एक भय बना रहता है कि मैं आज सोऊंगा और मुझे स्वप्न दोष हो जाएगा और कई बार युवा इस अवस्था से गुजरते हैं कि यार फिर स्वप्न दोष ना हो जाए, फिर स्वप्न दोष ना हो जाए, फिर स्वप्न दोष ना हो जाए। तो ऐसी अवस्था में भी स्वप्न दोष बार बार होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों कई बार हमारा मन भी एक कारण होता है इस घटना को बार बार दोहराते रहने का। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण युवाओं को सामान्यतः स्वप्न दोष हो जाते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिन्हें कि किसी पेशेंट की नाड़ी या नब्ज देखकर ही पता किया जाता है कि उसको उष्णता के कारण स्वप्न दोष हो रहे हैं या पित्त बढ़ने के कारण स्वप्न दोष हो रहे हैं या कफ प्रकृति बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण स्वप्न दोष हो रहे हैं या इंडाइजेशन के कारण स्वप्न दोष हो रहे हैं। तो अगर इन कारणों को दूर करने के बाद भी
आपको अगर आपके स्वप्न दोष की समस्या में आराम नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आपको फिर किसी अच्छे वैद्य से, नाड़ी वैद्य से संपर्क करना चाहिए। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अब चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मुझे लगता है कि फिर ज़्यादा लंबे वीडियो लोग देख नहीं पाते हैं, इसके लिए इस वीडियो के अगले भाग में हम स्वप्न दोष से क्या क्या परेशानियां हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, क्या क्या दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये स्वप्न दोष हमारे शरीर को और हमारे मानसिक लेवल को किस प्रकार से नुकसान पहुँचाता है, तो दोस्तों ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। आपको दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों आयुर्वेद की ऐसी बेहतरीन जानकारी लगातार पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि ऐसी बेहतरीन जानकारी का फ़ायदा दूसरों को भी मिल सके। दोस्तों जल्द ही मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में स्वप्न दोष के दुष्परिणामों की बात करते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।